एक्सपीरियंस चाहिए तो अभी आ गए हम एक सेल में और ये नया सेल लगा हुआ है और नाले ना बहुत पहले से बन रही थी उस टाइम हम जीत आए थे जब हमारे थोले थे। इतना सामान तो मैंने यहाँ से ले लिया है बाबा की तिरंगा और आराम से बाबा लेके और बलून लेके घूम रही आ रहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता वगैरह, स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के रिस्की साइड से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दिन के करीबन 12 बजे से और अभी हमारी तैयारी हो गई है बाजार जाने की, जो कि हम जा रहे हैं बाजार कुछ सामान के लिए क्योंकि थोड़ा बहुत सामान अभी बाकी है। थोड़ा बहुत क्या, अभी बहुत ही ज़्यादा सामान है लाने के लिए। तो हम जा रहे हैं प्रियंका मैं और हमारे साथ आराध्या जा रही है और आराध्या ने पहने हैं आज पायल के कपड़े, जो कि उसके कपड़े मैंने ज़्यादा नहीं लेके आई थी मैं वहाँ से क्योंकि एक ही सूट किया था मैंने और जो पहना था वो तो धुल लिया है आधा कि एक घर का ही था। आराध्या अपनी चाची के साथ लगी है, मैं बाजार जा रही हूँ चाची के साथ। आजकल ना नालियाँ बन रही है और नालियाँ ना बहुत पहले से बन रही थी उस टाइम हम नीचे आए थे जब हमारे थोले थे उससे पहले से बन रही है, लेकिन अभी तक भी नाली का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि जगह जगह में काम लगा है यहाँ भी, तो इस वजह से ना हमें ना ऊपर ही ऊपर चलना पड़ रहा जा। तो चलिए दोस्तों मैं बोली आराध्या को कि मेरे को अपनी चाची का हाथ पकड़ लेना, तो मेरे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी आराध्या बोली मेरे को भी चाहिए बल एक्सपीरियंस चाहिए तो चाची के साथ रहे और अगर कुछ और चाहिए तो मेरे साथ रहे बाबू। तो अभी नहीं होता है ना उतना आराध्या भी ना गोल्डन के वो से ना सीधा जाती है रोड में क्योंकि वहाँ तो ऐसी गाड़ी आती नहीं है, होता ही है यहाँ पे थोड़ा बच्चों का डर होता ही है रोड साइड पे। तो चले जी चलते हैं और वहाँ से तो हम टेम्पो पे बैठेंगे बाजार जाने के लिए। तो चले जी बैठते हैं यहाँ से टेम्पो में चलते हैं बाजार को। चाची गए हम बाजार में और अब चलते हैं आगे को कहाँ पे सामान लेना है प्रियंका आई बोले। अभी आ गए हम एक सेल में और ये नया सेल लगा हुआ है और आराध्या को ना बबाल चाहिए मेरे को, मामा बाल बबाल मैंने कहा कहाँ है पता नहीं कहाँ से ढूंढा उसने बबाल उठा उसे 30 रुपए का हो 30 रुपए का। इतना सामान तो मैंने यहाँ से ले लिया है बाबा की तिरंगा और आराम से बाबा लेके और बलून लेके घूम रही आराम से। हम दूसरी दुकान में आ गए हैं और यहाँ से हमें कुछ और सामान लेना है बाकी तो लेते हैं यहाँ से भी क्योंकि आपसे भूख गया होगा उठाया होगा और रो रहा होगा फोन भी नहीं किया मैंने। तो चले जी लेते हैं सामान फटाफट से। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत सब्जी भी ले लिया हमने और सामान तो ये हमारा, तो चलते हैं हम घर की ओर क्योंकि आपसे बहुत पायल रोने लग गए हैं। तो चलते हैं आराध्या की नज़र देखो पता नहीं कहाँ है आगे गाड़ी के क्या देख रहे आराध्या ये दिन देखे मैं इसके आजकल ना मोमोज हो गए फेवरेट, आज भी मोमोज खाए कल भी मोमोज खाए है ना। जी चलते हैं फटाफट क्योंकि ना अब से बहुत शोर मचा रहा बहुत ज्यादा रो रहा चलना जल्दी। ये बिगड़ी लड़की है ना मेरे साथ इसे यहाँ नाली में डाल दूंगी मैं किसी दिन। चले जी घर तो हमने हम कब के पहुंच गए थे खाना पीना भी हो गया है और भी फिर से हमारी तैयारी हो गई है यहीं पर जाने की क्योंकि अब से एक ना आंखें पक रही है तो इसे लेके जाते हैं थोड़ा डॉक्टर के पास क्योंकि वैसे तो हमारा प्लान आज घुमाने वाला जाने का था जहाँ की हमारा रूम ले रखा है तो उसका सामान तो हमने यहीं रखा है जो गैस चूल्हा वगैरह लिया था
तो कल ही जाएंगे अब, क्योंकि देवर जी ने बोला कल जाना है, अब कल ही जाएंगे। तो चलो फिलहाल चलते हैं ट्रैक्टर के पास। पायल, अभिषेक, आराध्या, नमस्ते, मैं और प्रियंका सासू जी जा रहे हैं अभी यहीं पर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं अभिषेक को, क्योंकि इसकी आंखें ना क्यों पकड़ी। चले जी डॉक्टर के पास, तो दिखा दिया हमने बाबा की दवा दे दी है डॉक्टर जी ने, और अभी जा रहे हैं हम यही घूमने के लिए गली गली में, मतलब देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। आगे प्रियंका और आराध्या और पायल है और पीछे से हम हैं। चले जी चलते हैं। गाय देखो हमारे आगे आगे लगी है। क्या बोला अब तक, अब तक क्या बोला? हाँ गाय को बाप 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 क्या लगा है। हाँ चलिए दोस्तों, अभी टाइम भी रात 11 बज गए हैं, और क्योंकि हम ना जो गए थे अब से को डॉक्टर के पास ले गए थे, और वहाँ से थोड़ा दवाई वगैरह लेके आए, और उसके बाद सीधा नीचे गए, मतलब प्रियंका ने बोला थोड़ा घूम के आते हैं आगे गली तक, तो थोड़ा वहाँ पे गए, और उसके बाद सीधा गए प्यारी मामी और गिडर घर, और वहाँ पे भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, क्योंकि होता है ना बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा ब्लॉगिंग करने का। तो आरा दिन वहीं रह गई थी प्यारी मामी के साथ, बोल रही थी मैं यहीं रहती हूँ, तो उनके ही घर छोड़ आई मैं उसे, और खुद ना ऊपर आए, और उसके बाद ब्लॉगिंग करना ही था मैंने, तो इसलिए भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, आई घर। और इसके बाद फिर से उसका फ़ोन, प्यारी मामी का फ़ोन की, यहाँ आराध्या रोने लग गई उसने, वहाँ इतना तमाशा इतना शोर मचाया ना क्या ही बोले, और उसके बाद ना फिर से भाग पड़ी मैं नीचे ही, तो अभी तक भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, तो अभी थोड़ा टाइम मिला है। तो जो सामान लिया मैंने बस यही लिया है, जो कि वो पूरा तो आप लोगों को कल ही बताऊँगी मैं कि क्या क्या लिया है, और फिलहाल तो इतना ही बता पाऊँगी कि इतना ही है बाहरी बाहर से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो रही मेरे लिए, क्योंकि कई बच्चों को सामान हो रहा, क्योंकि है ही जैसे, क्योंकि आराध्या ना घर से ही बिगड़ रखी है, तो अभी टाइम लगेगा कुछ करने में, मतलब यार तो ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कभी कभी, तो देखते हैं क्या हो पाता है। वैसे तो आज ही जाना था मैंने घर, लेकिन आज नहीं जा पाई क्योंकि देवर जी ने बोला कि कल जाना है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ सामान भी लेके जाना है, तो वो भी कल ही जाएगा, और फिर आपको कल ही बताएंगे क्या सामान लेके जाना है, तो वो भी लेके जाना है। और फिर हमने सोचा आज हम जाएंगे तो गाड़ी का भाड़ा बूढ़ा, तो कल ना गाड़ी बुकिंग ही करनी पड़ेगी, तो कल ही जाएंगे। तो अब से एक मैं और आराध्या और मेरे देवर जी ले जाएंगे हमारे साथ छोटे वाले, तो कल ही दिखाएंगे आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से। तब होता ही है खाना पीना बनाते ना टाइम ना, अभी मतलब खाना खाते 11 बज गए हैं, तो हमने सोचा ना टाइम अभी कम ही हो रहा होगा, देखा मैंने अभी फ़ोन में 11 बज गई, बाप रे। अगर घर की बात होती ना, घर में होता है ना गांव में, तो बोलते इधर से डर है उधर से डर है, बाघ आएगा ये आएगा सो आएगा, तो यहाँ मतलब ऐसे ही है। अभी पता नहीं शादी होगी या कहीं पर या कुछ हो रहा होगा, क्योंकि आवाज़ सुनाई दे रही बहुत ज़्यादा यहाँ से। आजकल तो यहाँ पे भी ठंड होने लग गई है ऋषिकेश में, लेकिन मच्छरों का आतंक अभी तक अभी है, क्योंकि बहुत सारे मच्छर ना अभी भी है ही यहाँ पे। दिन में तो गर्मी होती है, लेकिन सुबह शाम ना ठंडा होता है, लेकिन फिर भी मच्छर इधर उधर आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खाते हैं ये मेरे को और अभिषेक को, क्योंकि मैं ना कल अपने ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई, बस इसी ड्रेस में चल रही हूँ कल से, और क्योंकि यह ना यहाँ से ना ऊपर कॉलर से ना मेरे को काट भी रहा, क्योंकि इस पे ना ये है अजीब टाइप के सितारे जैसे है, तो ये काट भी रही हैं, तो दूसरा सूट भी नहीं लेके आई, क्योंकि मैंने बोला कि आ जाना है फिर कल यही आना है, ये करके हुआ था। एक ही ड्रेस लेके आई थी मतलब चेंज करने के लिए, जो कि बाहर लेके गई थी मैं सुबह से, और ये ड्रेस ना और वो ड्रेस ना सेम ही है मेरी, मतलब एक ही कलर की है ये, मैं लेके आई थी, और वो उस ड्रेस को पति देव लेके गए थे उस सूट को यहाँ रिसीवे से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।